जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज के वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तीन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी के बेसिस पे इन तीन टॉपिक्स से एक चैप्टर बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए आज के टॉपिक में हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इन तीनों चीज़ों में सबसे पहले हम इन तीनों के ये कैसे होते हैं और इनके जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हैं, इन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं और ये प्रकृति में कैसे यूज़ आते हैं, वो सारी चीज़ें हम इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इनको किन किन से फॉर्मेशन किया जा सकता है वो सबसे पहले पढ़ेंगे। ऐसे मतलब पूरा इनकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मोस्टली पार्ट की बात करें तो रिएक्शन मैकेनिज्म के अलावा नेम रिएक्शन और रिएजेंट्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो अब हम बात करते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है दोस्तों। तो आज इनका हम पढ़ भी लेते हैं रिवीजन। जो नीट जेई के बच्चे हैं उनके लिए ये एक रिवीजन क्लास है, बल्कि जेट, आईसीआर, बीएचयू, जो नीट जेई से थोड़ा सा कंपेरेटिव, थोड़ा सा लेवल, जिनका पेपर का लेवल थोड़ा कम रहता है उन बच्चों के लिए ये सीधी क्लास भी आप मान सकते हैं कि इससे आपका काम हो जाएगा। जेट, आईसीआर, बीएचयू के बच्चों का इससे काम हो जाएगा, लेकिन नीट जी के लिए केवल रिवीजन क्लास है जिससे आप सारी चीज़ें जल्दी से रिकॉल कर सको, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले है आपके पास एल्केन। एल्केन क्या होता है? सामान्य जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। इसका दूसरा फॉर्मूला Cn-1H2n भी हो सकता है, समझ रहे हो? क्या हो सकता है? Cn-1H2n भी हो सकता है। यानी कुल मिला के बात क्या है? कुल मिला के बात यह है कि जो जनरल फॉर्मूला वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा कि कार्बन की संख्या जितनी है उनसे डबल के आगे दो और होगी हाइड्रोजन की संख्या, ठीक है। अभी कोई सा भी फॉर्मूला सेटिस्फाई करे सब हो जाएंगे। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि एल्केन के लिए सामान्य जनरल फॉर्मूला कौन सा होगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपके पास अगर कहीं मोर देन करेक्ट आंसर वाला ऑप्शन हो तो आप एक बार सभी ऑप्शनों को चेक जरूर कर लेना, ठीक है। वो बात एक अलग है कि जैसे जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया वो आपके मेथेन के लिए लागू नहीं होगा। आगे है इसकी बॉन्ड लेंथ। जो जो कार्बन कार्बन के मध्य जो ये बॉन्ड लेंथ है ये वाली, ये सिंगल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा होती है, और ये कितनी होती है? 1.54 अंगस्टम। एक अंगस्टम का मतलब होता है आपकी कितना? 10^-10 मीटर। कितना होता है? 10^-10 मीटर। कार्बन कार्बन के मध्य की बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.54 अंगस्टम, और कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं, ठीक है, कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है, क्या कार्बन और हाइड्रोजन के जो बीच की बॉन्ड लेंथ है ये आपके पास 1.112 अंगस्टम होती है। इसमें जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो किस कौन सा होता है? sp3 होता है। आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की स्ट्रक्चर कैसे होती है? टेट्राहेड्रल टाइप होती है, चतुष्फलकीय, और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 109° 28' होता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, इन्हें पैराफिन्स बोलते हैं। ये मैं आपको नेम रिएक्शंस में बता चुका हूँ पहले से, इन्हें पैराफिन्स बोलते हैं। और पैराफिन्स क्यों बोलते हैं? वहाँ पर मैंने एक रीज़न बताया था कि ये कम रिएक्टिव होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। दूसरा रीज़न ये भी है कि ये मोम, वैक्स लाइक जैसे पदार्थ बनाते हैं इसलिए, और ये कम क्रियाशील भी होते हैं इसीलिए इनको पैराफिन बोलते हैं। अब है एल्किन बनाने की जो सामान्य विधियाँ हैं वो कौन कौन सी है, इसमें थोड़ा सा पहले जनरल बात कर लेते हैं कि प्रथम तीन एल्केन मेथेन, एथेन और प्रोपेन संरचनात्मक समावयवता नहीं दर्शाते हैं। तीनों ही कोई भी समावयवता नहीं दर्शाते हैं। प्रकाशिक समावयवता दर्शाने के लिए एल्केन में कम से कम 7 एल्किन व एल्काइन में 6 कार्बन होने जरूरी है, ये नेसेसरी है। आगे बात कर लेते हैं, आप किसी भी एल्कीन या एल्काइन की, अभी बता देंगे जिस बच्चे के लिए नया है कि सर एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दृष्टि से वैसे बेसिक चीज़ है एल्कीन और एल्काइन, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को नहीं बताया तो अभी थोड़ी देर बाद बता देंगे। एल्कीन और एल्काइन कि आप किसी भी मेटल के साथ अगर उसको गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो वो हमेशा एल्केन में कन्वर्ट हो जाती है, और ये एक ऊष्मा शोषी एंडोथर्मिक, कौन सी? एंडोथर्मिक रिएक्शन है।
और इसके अलावा आप रेड फॉस्फोरस HIV यूज़ कर सकते हैं, यानी ये सारे के सारे रिएजेंट आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ड्यूब्लॉक की धातु ले लीजिए और उसको हीट कीजिए, आपके पास एल्केन बन जाएगी। और इस अभिक्रिया को जब ये काम में आते हैं तब इस अभिक्रिया को सबवत्य सैंडमेयर रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या नाम कहा जाता है? सबवत्य सैंडमेयर रिएक्शन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं न्यूनतम स्थायी जो साइक्लोएल्केन है। क्या सबसे कम स्थायी जो साइक्लोएल्केन है वह आपकी कौन सी है? साइक्लोप्रोपेन। कौन सी है? साइक्लोप्रोपेन। तीन कार्बन का एल्केन जो चक्रीय हो उसको साइक्लोप्रोपेन नाम दिया गया। आगे है देखिए, अगर आप किसी भी एल्किल हैलाइड की इन सभी रिएजेंट्स से अगर रिएक्शन करवाओ तो किसी भी एक से, तो आपके पास एल्केन बन जाएगा, साथ में HX बाहर निकल जाएगा। कौन कौन से आपके पास रिएजेंट हैं? रेड फॉस्फोरस HI, जिंक प्लस HCl, जिंक के साथ NaOH, SN के साथ HCl, NaBH4, निकिल का H2। यानी कुल मिला के बाद में ये कहना चाहता हूँ, अगर आपसे कोई सा भी ऐसा रिएजेंट ले लिया जाए जो रिडक्शन करवाता हो, क्या कोई सा ऐसा रिएजेंट ले लिया जाए जो रिडक्शन करवाता हो, वो भी ये काम कर देगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कोई भी यौगिक हो। देखो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कोई सा भी कंपाउंड हो, इधर कोई सी भी स्ट्रक्चर का कोई कंपाउंड हो आपके पास, अगर उसे रेड फॉस्फोरस HI से अगर आपने रिएक्शन करवा दी उसकी, तो वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा कन्वर्ट? एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं सोडा लाइम रिएक्शन में। आपको नेम रिएक्शन में बता चुका हूँ, NaOH और CO का मिश्रण होता है, वी कार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन होती है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को आप CO2 और एल्केन में कन्वर्ट करते हो, जिसे वी कार्बोक्सिलीकरण। वी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हट जाता है या विघटित हो जाता है। यहाँ पर CO2 कार्बोनेट Na2CO3 के रूप में निकलती है, इस कारण उत्पाद में अभिकारक से एक कार्बन कम प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या एक कार्बन कम प्राप्त होता है। आपको ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें N कार्बन है जो R और एक कार्बन, यानी R प्लस C बराबर क्या है यहाँ पर? N कार्बन। NaOH से जैसे रिएक्शन कराओगे RH1 बन जाएगा CO2 के रूप में। ये जो ये कार्बन है, ये का वाला कार्बन आपके पास CO2 के रूप में बाहर निकल जाता है, और इस CO2 किसके रूप में निकलती है? Na2CO3। जब Na2CO3 विघटित होता है तब CO2 बनती है। आगे है गिरन्यार अभिकर्मक से। अगर आप RMGX का जल अपघटन करते हो तो आपको पता है इसमें आयन बनेंगे R-MgX+H+ और OH-, माइनस वाला प्लस पे जाएगा, प्लस वाला माइनस पे जाएगा। तो देखिए OH- है तो ये इस MgX पॉजिटिव के साथ चला जाएगा, तो MgXOH बन जाएगा, और R नेगेटिव है तो H पॉजिटिव R नेगेटिव पे जाके अटैक करेगा और आपके पास RH बन जाएगा। आपको एल्केन बनानी थी, एल्केन बन गई है। इससे आप मेथेन भी बना सकते हो, क्या इससे आप मेथेन भी बना सकते हो? आगे देखो, यह हमेशा सक्रिय हाइड्रोजन से क्रिया करके एल्केन बनाता है। क्या करता है? सक्रिय हाइड्रोजन से क्रिया करके, कौन? RMGX। सक्रिय हाइड्रोजन कौन से होते हैं? वह हाइड्रोजन जो अम्लीय हो, अर्थात तो कुल मिला के बात क्या है कि वह हाइड्रोजन अधिक विद्युतीय परमाणु से जुड़ा हुआ हो, वही हाइड्रोजन क्या कहलाता है? आपका सक्रिय हाइड्रोजन या अम्लीय हाइड्रोजन कहलाता है। जैसे यह हाइड्रोजन है वो OH से जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है अधिक विद्युतीय से, ये क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है जो SP संकृत है। ठीक है, तो आगे देखिए मेथेन बनाने का लैब मेथड। मेथेन बनाने का लैब मेथड है, आपने एल्यूमिनियम कार्बाइड या बेरिलियम कार्बाइड से आप सीधा मेथेन भी बना सकते हो। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने नेम रिएक्शन में भी बताया था कि आप कार्बाइड से कभी तो एसिटिलीन बनाते थे, कभी मेथेन बनाते थे, कभी क्या बनाते थे, कभी क्या बनाते थे। सर क्या हम याद करते रहें कि लिथियम से क्या बनेगा, एल्यूमिनियम से क्या करेगा, बेरिलियम से क्या बनेगा, कैल्शियम से क्या बनेगा, मैग्नीशियम के कार्बाइड से क्या बनेगा? नहीं, आपको याद नहीं करना है। मैंने एक वीडियो बनाया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। आपको सिर्फ 2 मिनट उस वीडियो को देखना है, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन से कार्बाइड से कौन सा बनेगा, और कभी याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी लाइफ में। ठीक है, तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। आगे बात करते हैं एल्केन की भौतिक अवस्था की। तो जो भौतिक अवस्था है इसमें देखो, एक कार्बन से चार कार्बन के एल्केन वो गैसीय अवस्था की होती है। यानी अब ये कह सकते हैं कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन चारों के चारों कैसी होती है? गैस होती है। ठीक है, आगे है 5 कार्बन से 17 कार्बन वाली द्रव अवस्था तक, और 17 से उच्च जितनी भी है
वो सारी सारी कैसी होगी, ठोस अवस्था वाली। ठीक है, अब बात करते हैं गंध। मैथेन की जो गंध होती है वो गंधहीन होती है, ये स्वादहीन भी होती है और रंगहीन भी होती है, दिखाई नहीं देती है, इसका कोई स्वाद नहीं आता है और कोई गंध भी नहीं होती है। LPG जो आपके घरेलू सिलेंडर में काम आती है उसमें RSH मरकैप्टल की गंध आती है। ठीक है, क्योंकि जब गैस लीकेज होती है सिलेंडर में से तो कुछ अजीब तरह की गंध आती है, वो किसके कारण आती है, RSH के कारण। ठीक है, आगे है घनत्व। तो अणुवार बढ़ने के साथ घनत्व बढ़ता है लेकिन जल से कम होता है, क्योंकि जल में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और एल्केन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रजेंट नहीं होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वही होती है जैसे अम्लीय हाइड्रोजन होता है, एग्जैक्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वही है। अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के पास अगर हाइड्रोजन आकर अटैच होता है तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की। तो आपके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का एक ही रूल है कि ये अणुवार बढ़ने के साथ क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, क्यों, देखो क्वथनांक तो द्रवणता से देखते हैं जबकि गलनांक को सम्मितता से देखते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा म्यू होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा सम्मितता होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं एल्केन मुख्यतः मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बताता है, यानी एक फ्री रेडिकल मोर स्टेबल फ्री रेडिकल लेस स्टेबल फ्री रेडिकल को रिमूव कर देता है। देखिए आपके पास एल्केन है, कंसनट्रेट एच एन तो जिसे अभिक्रिया करवाई तो NO2 बनेगा। आपके पास फ्री रेडिकल, दोनों फ्री रेडिकल बन सकते हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। तो आपको पता है 2 डिग्री फ्री रेडिकल या 2 डिग्री कार्बोकेटन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो 2 डिग्री वाले पे आपके पास NO2 आके जुड़ जाएगा और ये आपके पास ऊपर वाला मेन और नीचे वाले दोनों क्या हैं, नॉर्मल से हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे आपके पास है, सॉरी इसमें ऊपर वाले में क्या बता रहा था, ये दोनों ये मेन है, ये मेन है लेकिन ये भी मेन ही है, इतने मतलब इसमें मिश्रण बनता है मेनली, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है ऊपर वाला। ठीक है, जो ये वाला बनेगा CCCNO2 ये लेस होगा, समझ गए, जो एंटी मार्कोनिक होफ के अनुसार बताया था ना मैंने, अगर फ्री रेडिकल तो फ्री रेडिकल एंटी मार्कोनिक होफ में फ्री रेडिकल नहीं लगता है, एंटी मार्कोनिक तो जहाँ आयन बनते हैं वहाँ लगता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, आपके पास अगर एल्केन की अगर आपने रिएक्शन H2SO4 से करवाई तो आपके पास RSO3H बन जाएगा। ठीक है, आगे है, ये देखिए कुछ लिखा हुआ है, उच्च वसा अम्लों के सोडियम के जो साबुन होते हैं उनसे कपड़े धो जाते हैं, पोटेशियम वाले से नहाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि नहाने के साबुन में सोडियम होता है कि पोटेशियम होता है, नहाने के साबुन में पोटेशियम और कपड़े धोने वाले में सोडियम लवण साबुन कहलाते हैं, और इनका उपयोग खारे पानी में नहीं किया जा सकता क्योंकि खारे पानी में झाग वाग नहीं देते हैं, क्लियर नहीं कर पाते। अपमार्जक का खारे पानी में भी यूज किया जा सकता है। आगे आपके पास देखो ये N-hexane है, ये यहाँ पर देखो पूरा कम्प्लीटली जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये क्या है, N-hexane है, N-hexane की आप Cr2O3 प्लस Al2O3 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 15 ATM दाब पे जब रिएक्शन करवाते हो तो ये इसका एरोमेटिकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, एरोमेटिकरण हो जाता है, आपके पास बेंजीन बन जाती है, एक्स्ट्रा जो हाइड्रोजन है वो H2 गैस के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, उच्च एल्केन का पायरोलाइसिस क्या कहलाता है, क्रैकिंग कहलाता है, बंजन कहलाता है। इसमें उच्च एल्केन निम्न एल्केन में परिवर्तित होती है और ये मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है। पायरोलाइसिस क्या होती है, मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है। आगे देखो, एल्केन को अगर वायु की उपस्थिति में गर्म करते हो या एल्केन को जलाते हो तो आपके पास CO2H2 बनती है जिसको दहन रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, कंबेशन रिएक्शन बोलते हैं। आगे देखो, एल्केन की जब आप कॉपर के साथ एल्केन को वायु में जलाते हैं तब आपके पास एल्कोहल बनता है, और अगर 3 डिग्री एल्केन हो तो आपके पास केमेनोफोर से अगर आप रिएक्शन करवा दो अम्लीय मीडियम में तो 3 डिग्री एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, आगे है ऑक्टेन नंबर। तो ऑक्टेन नंबर है वो आपकी ईंधन क्षमता को बताता है, और जितने ज़्यादा ऑक्टेन नंबर फ्यूल एफिशिएंसी है जो ऑक्टेन नंबर है उतनी ज़्यादा होते हैं। आइसो ऑक्टेन के लिए ऑक्टेन नंबर 100 होता है जो मैक्सिमम होता है, जबकि एन हेप्टेन के लिए ऑक्टेन नंबर कितना होता है, 0 जो कि मिनिमम होता है। ठीक है, आगे देखो, असंतृप्त की संतृप्त से ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होती है, चक्रीय की अचक्रिय से ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होती है, एरोमेटिक की एलिफेटिक से ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होती है, ईंधन क्षमता अधिक होती है, शाखा बढ़ने पर ऑक्टेन नंबर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, आगे देखो, 5 कार्बन, ये इंपॉर्टेंट है याद कर लेना इसको। ठीक है, आगे देखो, 5 कार्बन की एल्केन पेट्रोल होती है, 5 से 8, 11 से 13 वाली डीजल,
और सप्ताह से उच्च वाली कैसे होती है, केरोसिन यानी कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ साथ क्वालिटी घटती भी जाती है, ये कह सकते हैं। ठीक है, आगे है TEL, टेल, जिसको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, टेट्रा एथिल लेड एंटी नोकिंग एजेंट की तरह काम में आता है। पहले इसका यूज करते थे, अब इतना नहीं करते हैं, इसका फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टेट्रा एथिल लेड है। ठीक है, आगे है CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या नाम है CNG का? प्रणाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और इसका जो संगठन है वो क्या होता है, मेथेन एथेन प्रोपेन। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो सेकेंड पार्ट है वो आपका है क्या, एल्कीन। क्या नाम है? एल्कीन। एल्कीन के बारे में बात करते हैं। एल्केन में अब देखो, सब एल्केन है उसको पैराफिन बोलते हैं, जबकि एल्कीन को क्या बोलते हैं, ओलिफिन, क्योंकि ये ऑयली पदार्थ बनाता है। ठीक है, ऑयली पदार्थ बनाता है। ठीक है, उसके बाद इसका सामान्य फॉर्मूला CnH2n। क्या है? CnH2n संकरण sp2 होता है, इन्हीं दो कार्बनों का कम से कम दो कार्बनों का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए, एल्कीन होने के लिए sp2 होना चाहिए। कार्बन कार्बन मध्य वहाँ पर बॉन्ड लेंथ कितनी थी, एल्केन में कितनी थी, 1.54 अंगस्ट्रोम, और यहाँ बॉन्ड लेंथ, जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, कम। तो मैं क्या कह सकता हूँ, बॉन्ड लेंथ डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। समझ में आ रही है बात? आगे देखो, वहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य की जो बॉन्ड लेंथ थी, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ थी वो कितनी थी, 1.112 अंगस्ट्रोम, और यहाँ कितनी है, 1.10, यहाँ भी कम हो गई है। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं कि पास वाला जो कार्बन था उसकी भी बॉन्ड लेंथ कम होती है, क्योंकि डबल बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है सिंगल बॉन्ड वाले के बजाय। ठीक है, आगे है, अगर आप एल्काइन का आंशिक हाइड्रोजनीकरण करते हो, लिथियम NH3 एंटी एडिशन करवाएगा, और लिंडलार जो रिएजेंट है वो सिन एडिशन करवाएगा। ठीक है, तो आपके पास एल्कीन बन जाएगी, और इसमें एल्काइन का आंशिक हाइड्रोजनीकरण होता है। अगर पूर्ण हाइड्रोजनीकरण करवा दो तो आप क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये दूसरा वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा, और आपके पास सीधी की सीधी एल्केन बन जाएगी। आगे है, आप एल्कोहल की रिएक्शन कंसनट्रेट H2SO4 से करवा दो, H3PO4 से करवा दो, Al2O3 से करवा दो, P2O5 से करवा दो, हीट दे दो, तो आपकी सीधी क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। आगे है कोलबे विद्युत अपघटन, तो कोलबे विद्युत अपघटन में क्या होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ से क्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड क्रेक होगा, और यहाँ पर देखिए जैसे ही ये बॉन्ड क्रेक होगा ये CO2 बाहर निकलेगी, और यहाँ से ये दोनों पे जो होगा वो यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे, तो आपके पास सीधी एल्कीन बन जाएगी। CO2 बाहर निकली है, तो जितने कार्बन थे पहले रिएक्टेंट में उससे दो कार्बन आपको कम प्राप्त होंगे। एल्कीन के जो भौतिक गुण द्रव्य हैं वो देख लेते हैं, 1 से 3 कार्बन वाले क्या होते हैं, गैस होते हैं, 4 से 14 वाले एल्कीन द्रव अवस्था में होती है, और 15 से उच्च वाली कैसी होती है, आपके ठोस अवस्था में होती है। इनकी जो गंध है, एथीन रंगहीन होती है, सुगंध वाली गैस होती है, कैसी होती है, रंगहीन सुगंध वाली गैस होती है, जबकि वो एल्केन थी वो रंगहीन भी थी, गंधहीन भी थी, और स्वादहीन भी थी। ठीक है, आगे विलयता की बात करें तो जल में एविलय होते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों ही जल में क्या होते हैं, एविलय होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वही अनुपात बढ़ने पर पड़ता है। एल्केन आपकी मुक्त मूलक प्रतिस्थापना अभिक्रिया देती है, जबकि एल्कीन और एल्काइन दोनों ही कैसे देती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन क्राउड होता है बॉन्ड के चारों तरफ। ठीक है, आगे बात करते हैं हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से होता है। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से आपको तो B2S6THF देखना है, और जल अपघटन अगर करवा रहे तो हाइड्रोबोरेशन होगा, और सीधा हाइड्रोबोरेशन में ये डबल बॉन्ड तोड़ो, इस पे OH लगाओ और इस पे H लगाओ, सीधा सा आपका काम बना लो बस, और H3BO3 आपके साथ उत्पाद बन जाएगा। आगे ओजोनीकरण, ओजोनीकरण कल की क्लास में मैं अच्छे से बता चुका हूँ आपको कि अगर जिंक लोगे, क्या अगर जिंक लोगे तो एल्डिहाइड ही रह जाएगा, अदरवाइज जिंक नहीं लिया तो एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, बस फर्क इतना सा है। और ओजोनीकरण से आप एल्कीन का ओजोनीकरण करोगे तो एल्डिहाइड कीटोन एसिड बना सकते हो। उसके बाद है एल्कीन अगर प्रबल ऑक्सीकारक से अगर अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आगे बात करते हैं एल्काइन, तीसरा और आज का सबसे लास्ट टॉपिक है अपना, क्या है एल्काइन। एल्काइन में देखो, एल्काइन में 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, क्या होता है, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp संकरण। ठीक है, एल्केन में sp3, एल्केन में sp3, एल्कीन में sp2,
और एल्काइन में आपका क्या हो गया sp, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन आपको पता चल गया 180 डिग्री बॉन्ड एंगल है। एल्कीन में अगर नहीं बताया हो तो आपका 120 डिग्री भी बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है किसका, एल्कीन का। आगे देखो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 1.108 अंगस्ट्रम। कितनी है बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन के मध्य की, एल्केन में कितनी थी 1.54, एल्कीन में कितनी आई 1.34, और यहाँ पर कितनी आ गई 1.08 से लेके 1.12 तक होती है, ठीक है। परसेंट एस करेक्टर बढ़ने से इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो होती है क्या है, बढ़ जाती है। अब देखो आपके पास एल्यूमिनियम और बेरिलियम के जो कार्बाइड थे उनसे आप एल्किन बना रहे थे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बाइड आते हैं आप क्या बना दिए, एल्काइन बना दिए। तो इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा सा क्या करना है, सीधा का सीधा आपको उसमें पहुंचा, आपको जो वीडियो है उस वीडियो को देखना है, आपको वहां से शुरू के 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, फिर इनको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है कि किससे क्या बनेगा, ठीक है। आगे देखो NaNH2 और हीट अगर आप देते हो तो यहाँ से Cl और यहाँ से H, यानी एंटी विलोपन होता है, यहाँ से Cl और यहाँ से H एंटी विलोपन होगा और आपके पास एल्कीन बन जाएगी, ठीक है, सॉरी एल्काइन बन जाएगी। आप इससे एल्कीन भी बना सकते हैं वैसे, अगर एक Cl ही होता, ये दोनों में से कोई एक Cl अगर एबसेंट होता, एक Cl अगर एबसेंट होता और यहाँ पर हाइड्रोजन ही होता तो आपके पास क्या बनती, इससे एल्कीन बनती, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो आपके पास RCCl3 Hg से रिएक्शन करके, RCCl3 अगर Hg से रिएक्शन करता है तो आपके पास क्या बन जाती है, एल्कीन बन जाती है, ठीक है। आगे है ब्रॉथलैंड मेथड, ये एसिटिलीन बनाने का क्या है, औद्योगिक विधि है। औद्योगिक विधि का मतलब है इंडस्ट्रियल में किस विधि से बनाया जाता है, तो कार्बन का जो अपर रूप है ग्रेफाइट उसकी H2 से विद्युत विसर्जन से क्रिया करवाई जाती है तो आपके पास एल्कीन बन जाती है, ठीक है। आगे है एल्काइन में इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है, एल्कीन में भी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है, एल्काइन में भी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है, जबकि एल्केन में मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। एल्काइन में sp संकरण की वजह से EN बढ़ जाती है तथा sp संकरित कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन कैसा कैसी प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का हो जाता है और इसकी अम्लता NH3 से भी ज़्यादा हो जाती है लेकिन H2O से कम ही रहती है, ठीक है। आगे देखो ब्रोमीन जल तथा बेयर अभिकर्मक, ब्रोमीन जल Br2 वाटर और बेयर अभिकर्मक 1% कोल्ड एंड डाइल्यूट सारीय के MnO4 जो होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के संपर्क में जैसे ही आता है तो इनका रंग समाप्त होता है, जैसे बेयर अभिकर्मक पिंक बैंगनी कलर का होता है और आपका ब्रोमीन जल है तो इनका कलर होता है, तो ये क्या करते हैं अपने कलर, जैसे ही एल्कीन एल्काइन से रिएक्शन करते हैं इनका कलर हट जाता है, तो हम ये बता सकते हैं कि ये संतृप्त है या असंतृप्त है। अगर इनका कलर चला गया तो असंतृप्त है मतलब एल्कीन या एल्काइन है, और अगर इनका कलर नहीं जाए तो हम समझ सकते हैं कि ये क्या है आपके एल्केन है, ठीक है। आगे बात करते हैं रेनी निकिल क्या होता है, कई जगह लिखा होता है रेनी निकिल तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रेनी निकिल क्या है, तो ये क्या होता है पाउडरी निकिल होता है जो निकिल और एल्यूमिनियम मिश्र धातु को एनोड के साथ उबालने पर प्राप्त होता है, रेनी निकिल चूर्ण का निकिल होता है। आगे है आप जब एल्काइन की Cl2 और CCl4 से जब रिएक्शन करवाते हो आप, ठीक है, CCl4 की परजय में CO2 से रिएक्शन करवाते हो तो आपके पास क्या बनता है वेस्ट्रॉन बनता है 1122 टेट्रा क्लोरो एथेन, और इसकी जैसे BaCl2 से रिएक्शन करवाते हो तो एक HCl इससे रिमूव हो जाता है, और जैसे ही आपके पास रिमूव होगा तो आपके पास ये वाला बन जाएगा, ठीक है। वेस्ट्रॉन कैसा होता है कार्बनिक विलायक होता है, ध्यान रखना, जैसे ही आप एल्काइन की हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास एक बॉन्ड टूटेगा, उसमें एक बॉन्ड टूट के और यहाँ पर OH लगेगा क्योंकि लेस स्टेबल है, ये एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है तो यहाँ पर जुड़ेगा क्योंकि ये फ्री रेडिकल टाइप वो बात एक अलग है, लेकिन यहाँ पर एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल होगा और यहाँ पर OH आके आपके पास ऐड हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये टोटोमेरिज्म भी प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है,
जैसे टोटोमेरिज़म प्रेजेंट है तो एल्कोहल को इनोल रूप को अपन एल्डो या केटो रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं या एल्डो रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। ओजोनीकरण, ओजोनीकरण में मैंने आपको साफ कहा था कि ओजोनीकरण में हमेशा दो ही बॉन्ड टूटते हैं, यहाँ पर दो बॉन्ड टूटेंगे, एक बॉन्ड वैसा का वैसा रह जाएगा तो ऊपर वाला भी एल्डिहाइड बन जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, तो दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे, एल्डिहाइड एल्डिहाइड बन जाएंगे। ठीक है, तो एल्डिहाइड बन गए यहाँ पर आपके साथ, एक साथ जुड़े हुए हैं, याद रखना, ठीक है, जुड़े हुए हैं। उसके बाद देखो, अगर आपके पास ये एल्काइन है और इसका अगर ऑक्सीडेशन करवा दिया जाए तो सीधा का सीधा ये यहाँ से सारे सारे बॉन्ड टूटेंगे और ये लास्ट वाला जो कार्बन है वो सी डब्ल्यू एच में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद सबसे लास्ट है आपकी रिएक्शन और वो है चक्रीय रिएक्शन। क्या है? साइक्लिक पोलराइजेशन, साइक्लिक बहुलकीकरण है। तो देखिए इसमें क्या है, आपके पास एक एल्काइन है, दो एल्काइन है, तीन एल्काइन है, तीन एल्काइन है तो आपके पास छः कार्बन हो गए। इसको आप Fe या कॉपर की उपस्थिति में हीट करते हैं, काफ़ी गर्म करते हैं, तो आपके पास क्या बन जाती है, बेंजीन बन जाती है। याद रखना, एक तो एल्काइन से ऐसे बनती है और एक आपके पास सिंपल एल्केन हो और उससे अगर आपको एरोमेटिकरण करवाना हो तो आप किसका यूज़ करते हैं, एल्केन में भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था Cr2O3 प्लस Al2O3 600 केल्विन तापमान, 600 डिग्री सेल्सियस तापमान और 15 ATM दाब पर ये काम करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों चीज़ें पढ़ ली हैं। दोस्तों कोरोना की स्थिति काफ़ी गंभीर है तो उनको मद्देनज़र रखते हुए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी मास्क लगाएं, जब तक ज़रूरी काम ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें और कोशिश करें कि हर एक काम को अवॉइड करने की कोशिश करें। मास्क लगाएं, किसी भी दूसरे व्यक्ति से बात करते वक्त कम से कम 2 गज के आप तो 3 गज 4 गज 5 गज की दूरी रखिए, थोड़ी सी वॉइस है वो आवाज़ तेज कर लीजिए, क्या दिक्कत है, दूरी बना के रखें और टाइम टू टाइम हाथ धोते रहें, हाथ धोते रहें, सैनिटाइज़र का यूज़ करते रहें। ठीक है दोस्तों, और एक दूसरों का हौसला ज़रूर बढ़ाएं, कभी भी किसी इंसान को नेगेटिव बात ना बोलें। जय हिंद दोस्तों।